हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस स्पीडो में हम डिस्कस करेंगे 17 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस स्पीडो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस स्पीडो की PDF इस स्पीडो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव। अनादि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। अनादि महोत्सव ये एक आदिवासी महोत्सव है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और ये 15 दिनों तक चलेगा। और इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव अनादि महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 16 नवंबर को। तो सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। और ये मनाया किस लिए जाता है? तो संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए हर साल 16 नवंबर को सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसको संयुक्त राष्ट्र मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मिशन निष्ठा की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो राष्ट्रीय मिशन निष्ठा की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में। और ये मिशन निष्ठा इसमें होगा क्या? तो इस मिशन के तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी इस मिशन के तहत। और इस मिशन की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली से की थी। तो अब इसको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है और इसे बाकी राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसकी थीम है। एक बार में ये इसकी फुल फॉर्म है निष्ठा की, एक बार में फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अगला प्रश्न, फिल्म भोसले ने एशियाई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणियों में दो पुरस्कार प्राप्त किए हैं, यह फिल्म किसके द्वारा निर्देशित है? तो भोसले फिल्म, इसका निर्देशन क्या है? देवाशीष मखीजा ने, ये हैं देवाशीष मखीजा। तो भोसले फिल्म इनके द्वारा निर्देशित है। और एशियाई फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन बार्सिलोना में किया गया था। बार्सिलोना स्पेन में पड़ता है। तो देवाशीष मखीजा के द्वारा निर्देशित ये फिल्म है भोसले फिल्म, और इस फिल्म को एशियाई फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रेणियों में दो पुरस्कार मिले हैं। अगला प्रश्न, तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया को कहाँ पर टैब एक्सपो 2019 कार्यक्रम में गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नीदरलैंड में। टैब एक्सपो 2019 कार्यक्रम, इसका आयोजन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था। तो इसमें तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया को गोल्डन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक के सुनीता ने प्राप्त किया है। तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। और भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। अगर विश्व में देखें तो विश्व में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। और तंबाकू भारत में सबसे पहले लेकर आए थे पुर्तगाली 1608 में, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर आए थे। और तंबाकू का सेवन भारत में अकबर के काल से शुरू हुआ था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो
तो आप ध्यान रखिए, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था और 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियों के लिए भारत कितने मिलियन डॉलर का सहयोग देगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है 13.5%। तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास गतिविधियों में भारत 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कृषि और बागवानी उत्पादों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खरीददार विक्रेता बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बैठक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। तो कृषि और बागवानी उत्पादों पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खरीददार विक्रेता बैठक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई और इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मौलिंग राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं मुकोटा युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश में जिले हैं 25 जिले, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। दोस्तों, अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर था श्रीलंका। और दूसरा प्रश्न था, केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों के 27वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही आंसर था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, 2020 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ब्रिक्स यंग इनोवेटर पुरस्कार किसने जीता? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।